जिस प्रकार डिमांड नोट से मटेरियल लेते हैं, उसी प्रकार यदि कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल हो गया या डिफेक्टिव मटेरियल हो गया तो उसको वापस करने के लिए रिटर्न नोट रहता है। तो रिटर्न नोट पहले भी मैंने बताया कि इसको सिंपली सीधे सीधे नहीं जाता है, इसको ईओ एग्जामिनेशन ऑर्डर के साथ में भेजा जाता है। मटेरियल आपका पेज जूम हो रखा है। हाँ, पेज को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। जैसे जो काम मटेरियल लेने के लिए हम डिमांड नोट से करते हैं, मटेरियल वापस करने के लिए रिटर्न नोट, किसी भी कारण से मटेरियल वापस किया जा सकता है, डिफेक्टिव मटेरियल है या यदि अतिरिक्त मटेरियल आ गया है तो चाहे पास मटेरियल हो चाहे फेल मटेरियल हो, इसको वापस करने के लिए ईओ बनता है, एग्जामिनेशन ऑर्डर। और यदि डिफेक्टिव या एक्स्ट्रा मटेरियल आया उसको वापस किया जा रहा है तो इसका वर्क ऑर्डर की सीरीज हो जाएगी 01000 121। यदि आपके पास में वारंट मतलब रेगुलर वारंट है, प्रोडक्शन वारंट, तो उसमें यदि स्क्रैप जनरेट हो रहा तो उसी वारंट से वापस होगा, वहां पे वर्क ऑर्डर वारंट। कितना साउंड आ रहा है, थोड़ा सा आप अपना बंद कर लीजिए। सर ये अनंत आ रहा है, सर माइक क्लोज कीजिए, अब नहीं आएगा। तो यहाँ पे जैसे वर्क ऑर्डर में हमने पढ़ा है लास्ट टू डिजिट सेक्शन कोड रहता है, यदि आपका रेगुलर वारंट चल रहा है, प्रोडक्शन वारंट चल रहा है, तो उसमें भी स्क्रैप जनरेट होगा तो वो वाला स्क्रैप उसी वारंट में वापस होगा, अलग से उसके लिए अलग से कोई वारंट लेने की जरूरत नहीं है। एक चीज आती है स्टोर इन ट्रांजिट, यहाँ पे लिख लीजिए इसका शॉर्ट फॉर्म SIT। तो अब इसको समझ लीजिए, वो पढ़ेंगे बाद। इसको ऐसा कि मान लीजिए एक फैक्ट्री ने चांदा फैक्ट्री से हमने सामान मंगाया था, IFB प्लेस की थी, चांदा फैक्ट्री से सामान मंगाया तो सामान के साथ में आई नोट और उसके वाउचर्स वगैरह आने चाहिए। अब सामान तो आ गया, स्टोर इन ट्रांजिट से ये मतलब नहीं समझ लीजिए कि चांदा से चला है और बीच में नागपुर में खड़ा है या कहीं रास्ते में खड़ा है तो उसको स्टोर इन ट्रांजिट की कैटेगरी में माना जाए। स्टोर इन ट्रांजिट मतलब कि मटेरियल आपका उधर से चल करके हमारी फैक्ट्री में आ गया और पर चूंकि हम स्टॉक चार्ज में उसको इसलिए नहीं ले पा रहे कि कुछ उसके डॉक्यूमेंट में कमी है, आई नोट नहीं है या कोई वाउचर्स नहीं है, तो उसके कारण हमारी MIS क्लियर नहीं हो रही। MIS जब तक क्लियर नहीं, MIS तो बन जाएगी, MIS जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक वो स्टॉक चार्ज में नहीं आएगा। तो MIS बनने और स्टॉक चार्ज के बीच में जो टाइम लगता था, जो मटेरियल पड़ा रहता था, उसको स्टोर इन ट्रांजिट की श्रेणी में रखते थे। जैसे ही मटेरियल का सारे वो डॉक्यूमेंट वगैरह आ जाते थे तो स्टोर इन ट्रांजिट से हट के वो MIS रिसीव वाउचर बन जाता था, रिसीव वाउचर बन करके स्टॉक चार्ज में आ जाता था। आज की डेट में IFD वाला इस तरीके का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। आज की डेट में सारे वाउचर्स वो सारी चीजें एक साथ में आ जाती है। पहले के जमाने में ये होता था कि पहले माल तो भेजो, बाकी सारी चीजें आती रहेंगी,
आज की डेट में माल इशू करते वक्त ही सारी चीजें इकट्ठा, मतलब कि जो भी टैक्स इनवॉइस है या जो भी डॉक्यूमेंट लगने हैं वो सारी चीजें रहती हैं। तो इस तरीके का जो आइटम रहते थे उसको स्टोर इन ट्रांजिट में कहा जाता रखा जाता था और कहा जाता था। इनवर्ट गेट पास आईजीपी, आईजीपी सबको मालूम है कि जब बाहर से माल आ रहा है तो गेट पे एंट्री के वक्त में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है, उसको बोला जाता है आईजीपी। इसका फॉर्म नंबर है खमरिया के लिए OFKT 68, मतलब कि इसके लिए अलग से कोई आईएएफ जोड़ जेट का मेरे पास में कोई नंबर नहीं है, किसी के पास में हो तो बता देगा। आईजीपी की 3 प्रतियां बनाई जाती हैं, तो आईजीपी के लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई मतलब कि ऑर्डर ही हो, कोई नॉर्मल उस पे भी कोई सामान भेजता है, मतलब नॉमिनल पे भी चीजें आ रही तो उसका भी आईजीपी बनेगा। जो भी माल गेट से इन होगा तो उसका आईजीपी बनेगा, जो भी माल गेट से बाहर होगा तो उसका इशू वाउचर बनेगा। अब नेक्स्ट आता सीआरबी सीआईबी सर्टिफाइड इशू वाउचर सर्टिफाइड रिसीव वाउचर। जिन परिस्थितियों में सामान रिसीव वाउचर नहीं बनाया जा सकता या एमआईएस नहीं बन सकती है, मान लीजिए कि आपके पास में मटेरियल पड़ा हुआ है, एक्सेस मटेरियल है और पास है मटेरियल और उसको स्टॉक चार्ज में लेना है, तो आपके पास तो मटेरियल पड़ा है तो आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि पहले उसको बाहर भेजेंगे फिर आईजीपी बनेगी फिर उसके बाद में एमआईएस बनाएंगे और उसके बाद में उसका इंस्पेक्शन होगा उसका फिर रिसीव वाउचर बनेगा और वो किया जाए, तो ये प्रोसेस तो नहीं करेंगे। तो आपके पास में जो स्टॉक पड़ा है उसको स्टॉक चार्ज में लाने के लिए सर्टिफाइड रिसीव वाउचर सीआरवी जनरेट किया जाता है। इसी प्रकार जब कोई आइटम जिसका इशू वाउचर नहीं बना सकते हैं, मालूम है कि इशू हुआ है, जैसे पेट्रोल आपने रखा था अपने टैंक में 1000 लीटर रखा था, कुछ समय बाद एवेपोरेट हो गया, किसको गया बात, मतलब कि वो एवेपोरेट हो गया तो उसके लिए सबको मालूम कि एवेपोरेट हुआ तो उसके लिए सीआईवी सर्टिफाइड इशू वाउचर बनाया जाता है चार्ज में लेने के लिए सीआरवी और चार्ज से आउट लेने के लिए सीआईवी। ट्रांसफर वाउचर एक वारंट से दूसरे वारंट में, एक वर्क ऑर्डर से दूसरे वर्क ऑर्डर में जब मटेरियल को ट्रांसफर किया जाता है तो इसको ट्रांसफर वाउचर कहते हैं। टीआरवी टीआईवी ट्रांसफर रिसीव वाउचर ट्रांसफर इशू वाउचर, इसका भी फॉर्म नंबर IAFO 1907। सप्लायर ने कोई सामान भेजा और उसकी टूट फूट हो गई, कोई हानि हो गया उसका निरीक्षण के दौरान, तो उस को भी स्टॉक चार्ज में लिया जाएगा। तो इस तरीके और स्टॉक चार्ज में ले लिया, आपने मान लीजिए कि एक 100 बल्ब आए थे और 100 बल्ब तो उसने सही भेजे थे, अब आपने इंस्पेक्शन के दौरान 2-4 खत्म हो गए तो स्टॉक चार्ज में तो आपके मान लीजिए 2 खत्म हो गए तो 98 बचे, तो आपका सीधा सीधा तो स्टॉक चार्ज में 98 आ गए रिसीव वाउचर से, बाकी जो 2 को और आपको इशू शो करना है तो उसको आप एक एक्सपेंस वाउचर बनाते हैं। तो एक्सपेंस वाउचर बना करके सप्लायर को उस पूरे आइटम का 100 बल्ब का पूरा पैसा पेमेंट किया जाता है। एक्सपेंस वाउचर पे ई लगाकर दर्शाया जाता है, रिसीव वाउचर में ही जो आइटम आपने एक्सपेंस में
लिए उसके ऊपर ई लगा लिख दिया जाता है। ट्रांजिट लेजर जो कई ऐसे आइटम होते कि एक ही बार जरूरत है तो उसका तो जबरदस्ती में हम एलएफ नहीं खोलेंगे, एक बार लेकर के आना है, कहानी खत्म हो जानी है, उसके बाद में उसका जरूरत नहीं है। तो इसके लिए एक अलग से लेजर, एक रजिस्टर खोल दिया जाता है, उसमें उन चीजों को रख दिया जाता है ना, उसका आया माल यूज किया और कहानी खत्म। तो उसका अलग से एक अलग पिन कार्ड खोलने की जरूरत नहीं, आपको एलएफ खोलने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके के जो आइटम नॉमिनल में आते हैं उनको ट्रांजिट लेजर में लिखा जाता है। रिटर्न नोट मैंने बता ही दिया आपको, आरजीपी रिटर्नेबल गेट पास। कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिनको किसी काम से कुछ समय के लिए बाहर भेजा जाता है, उस मान लीजिए कुछ आपके यहाँ कोई मशीन है उसको रिपेयरिंग के लिए बाहर भेजना है, वो रिपेयरिंग हो करके फिर अंदर आई कि नहीं आई, तो इसको किस उसको आप इशू तो कर नहीं रहे तो रिटर्न आ नहीं है, तो उसका एक गेट पास, कोई से भी आइटम को बाहर ले जाने के लिए जो कि अंदर फिर से वापस आना है तो उसके लिए रिटर्नेबल गेट पास बनता है। ये तीन कॉपी में बनाया जाता है। लेटर ऑफ इंडेंट, अब कोई सामान मंगाना है, सप्लाई ऑर्डर लगभग फाइनल स्टेज पे है, डॉक्यूमेंट चल बन रहे हैं, कुछ पोस्ट ऑडिट में चीज फंसी हुई कुछ ऐसा है, तो इस और कोई सामान की एक हमसे कमी हो गई तो सप्लाई ऑर्डर जब तक प्लेस हो रहा उसकी जगह जो L1 रहता है, जो लोएस्ट रहता है, उसको लेटर ऑफ इंडेंट जारी कर दिया जाता है, और लेटर ऑफ इंडेंट के आधार पे वो माल सप्लाई कर देता है। IGP में इसके लिए अलग से कॉलम छोड़ दिया जाता है। ये डेफर्ड रेवेन्यू सामग्रियां, और इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा। कुछ पूंजी के सामग्रियां जैसे मशीनों को उसमें लगने वाले टूल्स के साथ खरीदा जाता है, परंतु वेरिफिकेशन की दृष्टि से उन्हें मशीन से अलग कर इन्वेंट्री के आइटम के रूप में गिना जाता है। ऐसे सामग्रियों को डेफर्ड रेवेन्यू आइटम कहते हैं। इसको और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे अब डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है। ये फैक्ट्री अकाउंटिंग में चीज और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। डेफर्ड रेवेन्यू, PSL प्राइस स्टोर लेजर, PSA प्राइस स्टोर अकाउंट, ये केवल आप लोग याद करिए अभी। हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे वापस आकर के, इस चीज को रोकते हैं यहां से।